मोदी का रैली से ज्यादा भीड़ होता है, आप देख लीजिए पूरा रोड शो का भीड़। डाइस किसके पास है? मोदी मामा के पास है, टकले मामा के पास। बीजेपी पहले अपना 294 सीट का कैंडिडेट डिक्लेयर करे, उसके बाद वो सरकार बनाने की सोचेगी। ठीक है, ठीक है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज कोलकाता में फिर से मौजूद है और ये बतलाने के लिए लगातार हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि कोलकाता का हाल क्या है, क्योंकि सियासत लगातार गर्माती जा रही है। भवानीपुर इलाके में हम मौजूद हैं और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि पिछली बार ममता दीदी यहीं से चुनाव लड़ी थी और इस बार नया कैंडिडेट यहां पर उतारा गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, लोगों के मन में क्या है, आने वाले समय में बहुत नज़दीक चुनाव आ गए हैं तो वोट किसको दिया जाएगा, क्या कुछ होना है, ये लोगों से बात करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके का अब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि माहौल गर्माता जा रहा है, बीजेपी पूरी टक्कर पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ममता दीदी हार मानेंगी क्या? ये चुनाव नज़दीक आ गया, माहौल गरमा रहा है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे माहौल बिल्कुल सब ठीक है। यहाँ पे जो इससे पहले हमारी कैंडिडेट उम्मीदवार थी ममता बनर्जी, इस बार भी उन्हीं के उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय है। यहाँ की आवाम, हमारे 77 नंबर वार्ड की आवाम ममता बनर्जी की उम्मीदवार को ही वोट देंगी। इसमें चाहे मोदी कुछ भी कर ले, चाहे जितना भी जुमलाबाजी कर ले या जितना भी माहौल गर्म कर दे, कुछ यहाँ नहीं होने वाला। यहाँ ममता बनर्जी की जो कैंडिडेट है उनको ही वोट मिलने वाला है, उनके कैंडिडेट वही जीतेंगे। अरे भैया ये बताएं आप, हम लोग का एक हफ्ता से ज़्यादा यहाँ पे हो गया, मोदी जी रैली करते हैं तो बड़ी भीड़ आती है, क्या राज है भाई? उनका राज यही है कि मोदी जी अपने पूरे हिंदुस्तान से जितने वर्कर हैं सबको ले के आगे बंगाल में शामिल कर दिए हैं, और जहाँ जहाँ रैली होता है यहाँ की बंगाल की जनता तो बेवकूफ़ नहीं है जो मोदी जी की रैली में जाएगी, उनके पास उतना टाइम नहीं है। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी का रैली में जाना है क्योंकि वो विकास करती हैं और मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं, तो मोदी जी को तो अपने स्टेज जो चेयर खाली है उनको तो भीड़ भरना है, इसलिए वो अपने राजस्थान से, अपने गुजरात से, बिहार से, यूपी से लोग मंगा के सीट भरते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर लोग अपने भी राय दे रहे हैं और लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे, अब चुनाव बहुत नज़दीक है, बीजेपी पूरी टक्कर दे रही है, घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया, तमाम तरीके के उसमें लोगों के लिए एक तरीके से सुविधाएं दी गई हैं कि विधवा महिला को ये दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, लोगों को घर दिया जाएगा, और जो नए बच्चे हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं उनके भविष्य की तैयारी अभी से बीजेपी कर रही है, लालच दिया जा रहा है क्या? देखिए ये बीजेपी का जो है सिर्फ जुमला है, मतलब आज तक उसने सिर्फ जो काम वो सिर्फ बोला है, उसने और कुछ किया नहीं है। ठीक है, अभी आप कुछ दिन पहले आप ये न्यूज़ देखे होंगे कि जो है ये घर जो मिला गया था बीजेपी की तरफ से वो झूठा प्रोपेगंडा था, आपका न्यूज़ माध्यम से आया है। इससे पहले जो 15 लाख का जो था वो भी जुमला था, क्योंकि जुमला कहने और करने में फ़र्क होता है। ठीक है, कुछ लोग जो है नेता सिर्फ बड़ी बड़ी भाषण दे के चले जाते हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन हमारी एक वाहिद ममता बनर्जी है जो कहती भी है और करती भी है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्कीम उन्होंने अभी वेस्ट बंगाल में निकाला है, सबसे बड़ा स्कीम अभी 707 है, जो सीधा प्रमाण है, अगर उनको अगर जुमला होता उनका तो ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं करती, वो इलेक्शन में नहीं करती, वो अभी सिर्फ आदमी को झांसा देती, लेकिन उन्होंने कार्ड फौरन इशू किया है और उसके साथ साथ इशू होते ही लोगों को बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन करता है, करने में फ़र्क होता है, कहना अलग बात है करना अलग बात है। तो हमारी दीदी कहने पे विश्वास नहीं रखती, करने पे विश्वास रखती है, इसलिए हमारी जो दीदी हैं यहाँ पे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक जो है विकास की बात है तो विकास सिर्फ जुबान से विकास होता है और बाकी मीडिया के थ्रू जो विकास होता है वो दिखाते हैं लोग कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारी दीदी मीडिया के थ्रू विकास नहीं दिखाती हैं, मीडिया खुद उनको दिखाते हैं कि इन्होंने ये काम किया है। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कही भाई साहब ने कि ममता बनर्जी कभी मीडिया पे आके ये दिखाती ही नहीं है कि इन्होंने ये काम किया, ये काम नहीं किया। बांग्ला निजर में के चाय, बांग्ला निजर में के चाय, ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो देखिए अभी से ये लोग अंदेशा दे दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव है उसका नतीजा क्या कुछ आने वाला है। 200 से ऊपर सीट ममता बनर्जी की सरकार लाएगी और इस बार तीसरी बार 99 हम लोग ममता बनर्जी को भेजेंगे, हैट्रिक करेंगे। अभी आप जो बोले, एक सेकंड, अभी आप बोले कि मोदी का रैली में बहुत भीड़ हो रहा है, आप गलत बोले। हम सही बोले, अच्छा सही बोले, इतनी बसें आ रही हैं, हम यही तो राज जानना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों से, राज बताएं ना कि राज बताएं कि मोदी सरकार कहाँ से इतना भीड़ आ रही है, राज बताएं। राज हम बता दें आपको, राज ये है कि कुछ नमूने लोग होते हैं ना, उनको देखने के लिए लोग भीड़ लगाते हैं,
तो हिंदुस्तान का एक ऐसा वाहिद प्रधानमंत्री है, देखा नहीं है और ना ही आज तक हमने कभी देखेंगे, उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोग जो है ऐसे ही लोगों को देखते हैं जो लोग कार्टून लगते हैं, ठीक है, बात वो नहीं है, बात यह है कि भीड़ किस लिए लगता है, भीड़ एक तो लगता है अच्छे काम के लिए, एक भीड़ लगता है कि आप कुछ अजूबा चीज़ देखते हैं, बोला जाता है कि सातवां अजूबा आठवां अजूबा अभी तक हुआ नहीं है, तो ये इसी टाइप के लोग जो है आठवां अजूबा होते हैं और इस शकल में जो लोग अठवा जुबा को देखने के लिए भीड़ लगाते हैं और इसका कोई मकसद नहीं होता है, सिर्फ भीड़ वही है। बोला बोला ना आपको मोदी जी क्या बोले कि हम यहाँ पर रोजी देंगे, रोजगार सब कुछ देने बोल रहे ना, दीदी तो 10 साल पहले दे चुकी है, ये देखिए दीदी का यहाँ पर ये देने का जो बात है ना, आपको बता रहे कि जब बच्चा पैदा होता है ना उसका अंतिम मरने तक तक का पैसा उसको दिया जाता है, आपको मालूम है, तो मतलब ममता दीदी से खुश हैं 100% बता रहे आपको, बता रहे आपको, बता रहे आप बच्चा आप एक बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा उसका दूसरे दिन उसको 2000 रुपया दिया जाता है, बच्चा जितना बड़ा हो जाता है पूरा स्कूल में फ्री पढ़ाया जाता है, उसको बैग दिया जाता है, उसका कपड़ा दिया जाता है, सुने ना, उसको कपड़ा वपड़ा सब दिया जाता है, हर चीज़ उसको दिया, स्कूल का ड्रेस दिया जाता है, और जब वो डेथ कर जाता है तो कैश 10,000 रुपया दिया जाता है, 3 महीने के अंदर 40,000 रुपया दिया जाता है, ये अभी तक यूपी में नहीं हुआ कुछ, आप बताए यूपी में 2014 अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है, तो यानी कि आप एक बच्चा पैदा हो रहा है और एक बच्चा मर रहा है, ठीक है। एक सवाल ये भी मेरा है कि यहाँ पे एक चीज ये बहुत देखने को मिलती है कि साइलेंट वोटर का बड़ा ही खेल चल रहा है, गेम चेंजर हो सकते हैं, आप लोगों की राय क्या है? यहाँ पर बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीति कर रहे हैं, वो अभी इनको खड़ा कि वो अभी ओवैसी को लाने वाले थे कि वो कोई नहीं जीतने वाला, इस बार सरकार बीजेपी, इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है, और साइलेंट वोट भी जो बीजेपी जो भी दिखा रहे भीड़ भड़क है वो सिर्फ भीड़ लगा सकते हैं, वोट तो सिर्फ दीदी को दिलाएगा। और एक बात बता दूं, बीजेपी पहले अपना 294 सीट का कैंडिडेट डिक्लेयर करे, उसके बाद वो सरकार बनाने की सोचेगी, और ममता बनर्जी तो बहुत ही पहले अपना 294 कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर चुकी है और वो सरकार बनाने के लिए ममता बनर्जी पहले से प्रिपेयर भी है, ठीक है ठीक है। इस तरीके से एक सवाल ठीक है ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि सीएम पद का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कौन होगा? अभी मेरे ख्याल से एक स्टेट में सीएम कैंडिडेट 15-20 हो सकते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है वो अगर बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, राजीव बनर्जी बोल रहे हैं वो बनेंगे, और सबसे पहले इस देश के जो अनपढ़ एक भाजपा के सभापति हैं जिनको सही से बात करना नहीं आता, दिलीप घोष, वो बोल रहे हैं मैं बनूंगा, अमित शाह बोल रहे हैं कि बंगाल का कोई बनेगा, अभी नया एक प्रोजेक्ट जोकर लॉन्च हुआ है मिथुन चक्रवर्ती, और कौन बनेगा, ठीक है भाई, वो तो डसने की बात कर रहे हैं कोबरा बनके, अभी आप तो देख ही रहे हैं पब्लिक को डसेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने पहला सवाल किया कि मोदी जी के रैली में बहुत भीड़ होती, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहीं पे उतना ही दिखाया जा रहा था आज तक के थ्रू, और फर्स्ट में मीडिया को बोलना चाहता हूं कि एबीपी जो है ना एंकर जो है ये क्या बोलते हैं, नहीं उनकी बात छोड़िए, एबीपी वगैरह की आप अपनी बात कीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि जहां तक उनका स्टेज था वहीं तक भीड़ था, और जैसे ही मोदी जी अपना स्पीच शुरू किए हैं वो देखिए जनता जाना शुरू करता है, समोसा चाउमीन खिला के लाते हैं क्या, चाउमीन खिला के तो लाते ही हैं, लेकिन वो चाउमीन जो है एक मिनट, वो चाउमीन जो है उनको मालूम था कि ऐसा जुमला पार्टी है कि चाउमीन तक असर था, ठीक है, पैसा क्या बोल रहा है, पैसा क्या आप बोल रहे हैं, पैसा बोल रहा है, मोदी का रैली से ज्यादा भीड़ होता है, आप देख लीजिए पूरा रोड शो का भीड़, डाइस किसके पास है, मोदी मामा के पास है, टकला मामा के पास, बोले देखिए बंगाल में कुछ चलने वाला नहीं है, यहाँ का चाह रहा है सिर्फ ममता बनर्जी, हम लोग काम पे वोट मांग रहा है, हिंदू मुसलमान में वोट नहीं मांग रहे, यहाँ बिहार नहीं बंगाल है, बिहार नहीं बंगाल है, ममता बनर्जी जिंदाबाद, भीड़ की जहाँ बात है, आप वायरल वीडियो हमेशा देखेंगे बीजेपी की तरफ से होता है कि नोट बांटते हुए, नोट बांट के बीजेपी को भीड़ बनाया जाता है, लेकिन आज तक कभी आपने टीएमसी का कोई वायरल वीडियो दिखा दे कि पैसा बांट के जो है भीड़ लगाया गया होगा, टीएमसी के जो जितना भी भीड़ होता है दिल से भीड़ होता है, यहाँ दिल में जो है ना टीएमसी बसा हुआ है इसलिए भीड़ होता है। और मैं एक बात बता दूं, लॉकडाउन और नोटबंदी के वक्त मोदी सरकार ने कहा था, भाजपा सरकार ने, के काम नहीं है तो पकौड़े बेचे,
अब यहाँ की जनता, बंगाल की जनता मोदी को पकौड़े खिला के दिल्ली वापस भेजेगी और दिल्ली की जनता आइंदा 2024 में उसको उठा के गुजरात से पूरा हिंदुस्तान से ठीक है, ठीक है, अब नहीं ठीक है। अब ये बताइए, सभी लोग एक चीज बताइए। अरे एक सेकंड रुकिए, बिक्री करने के लिए लगा हुआ है मोदी मामा, टकला मामा, अमित सिंह। ठीक है, अब भैया ममता बनर्जी जिंदाबाद। अरे भैया, अरे यार, हमें तो थोड़ा बोल लेने दो, आपके क्षेत्र में आए हैं। दीदी से खुश है सभी लोग? बिल्कुल, बांग्ला निजर में के जाए। मोदी सरकार नहीं चाहते? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक बार मौका दे दो। कभी नहीं, कभी नहीं। तो चलिए, इस तरीके से आपने देखा कि ममता के लिए यहाँ पर बहुत ममता है लोगों के दिल में, और ये लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहिए, चाहिए तो चाहिए सिर्फ ममता दीदी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार हमारी कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार।